नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली नगर निगम के चुनाव यानी एमसीडी के चुनाव में लगातार अब जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों की तरफ से अब जो वादे के पिटारे थे वो खुल चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। नया हमला करने का जो साधन है वो है एक स्टिंग ऑपरेशन, जिस स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी इलेक्शन के टिकट पैसे लेकर के बेच रही है। ये जो मामला है वो रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 54D का मामला है, जिसमें अभी हाल ही में करीब 1.5-2 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बिंदु, जो वहाँ पर अपने चुनाव की तैयारी कर रही थी, उनके लिए दावा किया गया है कि पैसा न दे पाने के कारण उनका टिकट काट करके और पैसा लेकर के किसी और को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन का ये वीडियो आया। इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात रखी, जिसके बाद फिर स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी चलाया गया। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अभी आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अब मामला जो है वो एक तरफ जहां भाजपा कह रही है कि पैसा लेकर के टिकट दिया गया, वहीं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा रोज़ नए नए इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो सामने लेकर के आ रही है, नए नए हथकंडे अपनाती है, नई नई नौटंकियाँ लेकर के आती है। उन्होंने जिक्र किया कि पहले उन्होंने कहा कि शराब में घोटाला हुआ, फिर शराब उन्होंने जांच करा ली, वहाँ कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बस का घोटाला हुआ, उसकी जांच करा ली, उसमें कुछ नहीं निकला। अब वो ये लेकर के आए हैं कि टिकट को बेचा जा रहा है, इसकी भी जाँच हो गई और यहाँ भी कुछ नहीं निकला। हालांकि जो स्टिंग ऑपरेशन है उस पर भाजपा का ये दावा है कि स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल ये साबित करता है कि किस तरीके से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पैसा बनाने में लगी हुई है। उसके जो नेता हैं वो पैसे की उगाही करने में लगे हैं। इसके आरोप हैं कि गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे जो नेता हैं वो एमसीडी इलेक्शन के सहारे पैसा बनाने में लगे हैं, पैसे की उगाही करने में लगे हुए हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ये दावा कर रही हो, पर उतनी ही मजबूती से आम आदमी पार्टी इन दावों को खारिज भी कर रही है। खैर, ये जो चूंकि चुनाव हैं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, पर आप वीडियो के अंत में ये देखते चलिए कि किस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और क्या क्या बातें इस स्टिंग ऑपरेशन में हुई। क्योंकि दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करें। आपका जरा भी सामान जाएगा 99.99% देना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से होता है। ठीक है, ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसी 100-110 ये ब्लॉक करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपने हैं, जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। कि मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सितमपुरा मोड टोनी है, आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शाहदरा का, ये चार विधानसभा देखी है, ऐसे कुछ खास खास जो लोग हैं वो डिवाइड करती है। राम निवास जी भी, राम निवास जी भाई साहब के समझी है, हमारे दोस्त की बेटी भी है, विधानसभा अध्यक्ष ने अपने नाम भाई साहब को समझी। और आपके जो ये गंगा इंटरनेशनल वाले हैं उनकी लड़की मेरे साडू के लड़के, सुशील जी की लड़की मेरे साडू के लड़के के साथ मेरे पंजाबी वाले, कौन बिरला, अच्छा अच्छा, सुशील गुप्ता जी की बेटी मेरे साडू है, वहाँ पे शालीवार सॉरी पंजाबी विभाग में सीए है, लड़का भी बेटा भी सीए होगा, उसके साथ मेरिट है। सिरिसा को मैं बहुत स्पष्ट बात करी, जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा, हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ, तो हमारा हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज़ को नहीं सुनते, ऊपर वाले क्या है, जो रिपोर्ट हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे, तो आप ही हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल, इंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी यार, बिंदु ने हाथ ऑफिस बंद नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा, और बिंदु के हाथ दो चार दिन में कैंप लग रहे हैं। मैंने अपनी स्पष्ट बात कर दी, आपकी कोई बात आप रख सकते हो, कौन सी कमेटी के है ना, जो भी है आप ये सोचो कि मेरे पाँचों रख दे तो मुश्किल है भाई, अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पर पाँचों के पास नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास
देखो जा तो पार्टी के लिए ही रहे ना, सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना इनको। ये कोर कमेटी के सदस्य है जो छह आदमी कोर कमेटी पीएससी की जो मेंबर, ये आपकी बात रखेगी, ये कन्विंस करेगी आपको यार तूने ना इसका नाम लेना, मेरी तरफ से ये फाइनल है। ये चीज़ होती है कोर कमेटी में हमारे इस पार्टी में। नहीं, जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है? हाँ, बस यही मैं पूछ रही हूँ। और भी ठीक है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया? कोई नहीं, हो तो कल मंगवा लो। दो चार नहीं यार, नहीं आ पा रहे ना कल, कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, एक दो दिन मंगा लो, कोई आज तो हम कहेंगे हमने तो रोज जाना है, रोज आना है। जब आप जानी कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधे आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, ये तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दो बार हो जाएगा जी। दो बार हो जाएगा, दो बार मांगा है। ठीक है, एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है, फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया। ठीक ठीक, जो भी है ना, यह मांग लिया। नहीं, अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ, टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना एक दो दिन में पेमेंट आ जाएगी। इकट्ठा ही तो मैं, मेरी सोच ये थी दो दिन बाद। अच्छा, इकट्ठा ही मैं तो कहेंगे आप पाँच दो इकट्ठा दो, एक दिमाग में रहेगा। अब राजेश और उसमें दिक्कत ये थी, राजेश ने इकट्ठा भिजवाया। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और जय कुमार बाद में रोकता रहा कि मेरा ले लो मेरा, फिर जैक वर से तो उस बात नहीं हुई थी भाई, आप बाबूजी मुंजी हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो इसलिए नंबर दे जाएगा। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये श्योर है जी, अगर ये उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना ये चीज़ सीट निकाल जाता। अरे ये सामान इसका और उसका एक दिन का आगे पीछे रहा है, इन्होंने कही आज दे दे, कभी दौड़ मैंने आज भिजवा दिया, कभी ये कह रहे हैं मैं कल दूंगा पुलिस, और मैंने आज भिजवा। नाम भूल गई भाई साहब, दिनेश है जी, दिनेश सर आप। अच्छा, आपका आता रहता है ग्रुप में शायद? हाँ, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। अब ना जितना डिले हो जाए ना उतनी दिक्कत आएगी। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका, वो मेरे घर में रखे रहोगे, फायदा क्या? मैं जनरल बोल रही हूँ, दो दिन का टाइम ले लो। हाँ, मुझे वैसे मैं कोई प्रॉब्लम, इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे में पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। आ गया, ठीक है। क्या पोजीशन? मेरी आठ आदमी है यार, ठीक है, फिर मंडे को चलते हैं। आठ बैंक का नाम था नहीं, अब मेरे नाम पूछा, मैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, मेरा नाम लेते ना दोनों कहते कि वो नो हो गए, नो का सामान क्यों, समस्या क्या हो जाती है? उस थैले में पर्ची होती है सब, पठानिया जी है ना लूप पे? तो खैर बात कह रहा, हमने करनी नहीं, नहीं क्या करनी है बस, नहीं लूप में है जी। लेकिन जितने एक चीज देखा होगा, पठानिया जी से जो बात करते हैं, पठानिया जी किसकी तरफ इशारा कर देते हैं, पुनीत से बात करना जो भी करनी है वो खुद करते हैं, कभी नहीं। मतलब राजनीति का मतलब ये जी, फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी बात करते हैं, सामने आया सामने एक आदमी नीचे देखे गए, मैंने लागे ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, विश्वास भी तो कोई चीज़ आपस में। फिर उन्होंने ये कह रहे थे पुलिस से बात करने के लिए। अच्छा, ये क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, नहीं उससे ऊपर मत लेके जाना। हाँ, अब पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधे सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है, आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो, पैसे की बात करिए पुनीत ने, हो सकता है। देखो पुनीत मेरे साथ रहता है और जब मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं नहीं, आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सी मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं राखी बिरला से,
तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी सर। राखी बिरला से तो मिलवा देगा ये। हाँ। लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने ही मिलवाया था इसको। हाँ। राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा। और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गई। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा है ना, थोड़ा बहुत नहीं है। बोल रहे पड़ गए, छापा पड़ा है और 65 लोग थे जो आए थे रेड में। अच्छा। टैक्स का और वो पूरी रात लगे रहे, उसमें उलझा हुआ। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, जब वो मिला हाँ। रहे किसी से हाँ। तो मिल लो, अगले की तसल्ली ले लो फिर। नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई 5-7 लाख रुपए हो। हाँ। सीधी सी बात है, पहले 2 इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें, कह रहा 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ। हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में, तो मैंने कहा भाई मेरा नाम, तो जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी, तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं तो ले लो, मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं। हाँ हाँ हाँ, पैसे का तो है नहीं, तो मैंने बोला मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ अभी, 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं अभी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी, अब सैटरडे संडे का दिन था। बोले 8 का 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं, और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है वो। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ, जो पीछे बनी थी ना। हाँ। 5 लोगों ने डिसाइड किए थे, उसमें 5 ही लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है सर वैसे? वही यही है जो मेन है, गोपाल राय जी है, दुर्गेश जी है, और सौरभ जी है, और एक अतिशी है। अच्छा, जानते सारे हैं, क्योंकि जब मैंने बता दिया ना मेरे। हाँ। साथ रहता है, उसी फिर पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। सौरभ जी के साथ रखा है इसको, भवन इलेक्शन हुआ था वार्ड का, इसमें अब राजेंद्र नगर भी, और पीएससी अपनी कमेटी है ऊपर, सुपर कमेटी है जो इसे पीएससी बोलते हैं ना। हाँ, पीएससी, यही पीएससी बोल रहा था। तो उस पीएससी के जो मेंबर हैं उनमें राखी भी एक है।